एक बार फिर से बात करेंगे रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी बड़ी खबर की। यूक्रेन के सैनिकों ने बखमूत को बचाने की अपील की है। यूक्रेन ने रूस के सैनिकों से बखमूत की रक्षा करने की बात कही और इसके बाद यूक्रेन के सैनिकों ने रूस पर जबरदस्त पलटवार किया है। इसके पहले राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी बखमूत में अपनी सेना का जोश बढ़ाया और पीछे नहीं हटने की बात दोहराई। तो यूक्रेन के सैनिकों की अपील दरअसल ये है कि बखमूत को बचाने की अपील लगातार की जा रही है। जिस तरीके से रिपोर्ट सामने आई है कि बखमूत में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, रूस के सैनिकों से बचाने की अपील लगातार की जा रही है। बखमूत से आई एक रिपोर्ट के बाद पुतिन ने यूक्रेन जाने की अटकलें अब और ज्यादा तेज हो गई हैं। देखिए, ऐसा इसीलिए क्योंकि पुतिन ने अपना रक्षा मंत्री को लगातार दूसरे दिन यूक्रेन के एक फ्रंट पर भेजा है। अब सवाल यह है कि क्या अगला दौरा पुतिन खुद कर सकते हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि पुतिन की सबसे खतरनाक फोर्स वैगनार को बखमूत में बहुत बड़ा धोखा मिला है। यूक्रेन की जंग में कई मोर्चे बने और टूट गए, कई शहर खून में डूब गए, गांव के गांव लाशों से पट गए, जंग के कई मैदान सैनिकों ने अपने खून से लाल कर दिए। लेकिन जैसी खूनरेज जंग इस वक्त बखमूत के अंदर चल रही है, न कभी देखी गई और न कभी बीते 70-80 सालों में सुनी गई। एक तरफ दुनिया की सबसे क्रूर और खूंखार प्राइवेट आर्मी वैगनर एक एक यूक्रेनी सैनिक के खून की प्यासी हो चुकी है। बखमूत के चप्पे चप्पे पर बेरहमी की नई इबारतें लिखी जा रही हैं, और दूसरी तरफ यूक्रेन के सैनिकों ने टैंकों के आगे खुद का जिस्म ही चारे की तरह फेंक दिया है। Горой стоим против танков с автоматом. Там будет видно. Сколько духа хватит, столько и будем стоять. सर्वशक्तिमान पुतिन के सामने बच्चे जैसे नजर आ रहे जेलेंस्की ने अपनी सेनाओं का हौसला इस तरह बढ़ा रखा है कि एक एक वैगनर लड़ाका लोहे के चने चबा रहा है। दोनों तरफ से ऐसा कत्लेआम मचा है कि पूरा बखमूत मुर्दों का शहर बन चुका है। लेकिन इस पूरे जंग में क्या पुतिन ने वैगनर के साथ डबल गेम कर दिया है? आखिर क्यों अचानक वैगनर चीफ ये बयान दे रहा है कि बखमूत का पूरा मोर्चा ही उखड़ने वाला है? दुनिया की लगभग हर मीडिया रिपोर्ट्स में अब तक यही दावा किया गया है कि बखमूत पर रूस का कब्जा लगभग लगभग हो चुका है, सिर्फ आधिकारिक घोषणा बाकी है। लेकिन बखमूत में जीत और हार के बीच में चट्टान की तरह अड़ा है जेलेंस्की का हौसला। बखमूत की पूरी वॉर हिस्ट्री और इंसानी कत्लेआम की मिस्ट्री आपको बताने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे बीते 24 घंटे के अंदर बखमूत में किस मोर्चे पर कितना बड़ा अटैक किया। जेलेंस्की की फौजें बखमूत के उत्तर पश्चिमी मोर्चे पर इकट्ठा हो रही हैं। वैगनर हमला करके जेलेंस्की के सैनिकों को सड़कों से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि भागने का कोई रास्ता ना मिले। बखमूत के उत्तर पूर्व इलाके पर रूस की सेनाओं ने पूरा कब्जा कर लिया है और यहाँ मौजूद सेनाएं अब बखमूतोवा नदी के पास मौजूद यूक्रेन के अड्डों पर हमले कर रही हैं। जवाब में बखमूत में उत्तर पूर्व के मोर्चे पर रूस के कई सैनिकों पर जेलेंस्की के लड़ाकों ने ड्रोन हमले किए हैं और रूसी सैनिकों को खत्म करने का दावा किया है।